मध्य प्रदेश के केंद्रीय बजट में रतलाम मंडल के प्रोजेक्ट के लिए इस बार भी अच्छा फंड मिला है। मंडल को नई लाइन, दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, यार्ड निर्माण जैसे कार्यों के लिए 2,281 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी रेल प्रोजेक्ट के तहत इंदौर दाहोद रेल लाइन के लिए 440 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर इंदौर से दाहोद की दूरी 205 किलोमीटर हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपए है। इंदौर से टिहरी तक का काम पूरा हो चुका है। इस रेल लाइन के बन जाने से इंदौर से गुजरात और महाराष्ट्र का सफर आसान होगा। इस प्रोजेक्ट में 41 बड़े जबकि 32 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। यह रेल लाइन पीथमपुरा, धार, सरदारपुर और झाबुआ होते हुए दाहोद को जोड़ेगी। इसके साथ ही धार और छोटा उदयपुर के बीच रेल लाइन बनाई जाएगी। इस रेल लाइन के लिए भी इस बार 355 करोड़ रुपए राशि मिली है। यह लाइन पूरी होने पर इंदौर से गुजरात का सीधा कनेक्शन हो जाएगा। इससे गुजरात के पोर्ट से सीधे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यह लाइन इंदौर दाहोद की शाखा लाइन होगी। इस लाइन से इंदौर और वडोदरा की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। इस रेलवे प्रोजेक्ट को 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस रेलवे प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश का विकास तेजी से होगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।